दर्शकों, 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आ है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जग मग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा, सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं, सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को पांचवा सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पढ़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो, और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तूम का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा,
तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना दोस्तों। नंबर तीन, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर चार, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ना चाहिए, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर पांच, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है, ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर वन, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं, इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर टू, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर तीन, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं
तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस अव को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है दोस्तों। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है। तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है,
तीन बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, एक सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है, आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, बस कर लेना। यह उपाय सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है। हर कामना दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पेन, कॉपी आदि पर लिख कर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल, सर्प दोष, शनिदेव देव का दोष, वर्षों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, न कम न ज्यादा, पूरे पांचों काम आपको करने हैं। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें, 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, 1 लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए 1 लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है, इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है, पक्षी पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं। भोग माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य आर्ण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए, तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को आर्ण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए तब आप जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी, आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटी चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे, ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटा है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे, भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, देखिए चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना, यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है, नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में मां माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बा खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधन घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं, चूकना मत, भूलना मत। आप चाहे तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, बंदर सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है।
बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी, कुत्ते अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। सावन में दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, गाय। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतार कर किसी काले गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाती है। और दुष्ट तो जरूरी जानकारी, अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लायक तो बनता है। हर हर महादेव, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।